एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या जरूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं है। मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है, ऐसे एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में। कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई जमीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंसे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति शर्मा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर पाकिस्तान से डर लगता है तो वो 30% मुसलमानों को फौज में भर्ती करे, हम जवाब दे देंगे। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह। अब इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुखर होकर अपनी बात कही है। उनका कहना है कि ऐसा बयान कोई कैसे दे सकता है, आप सेना को हर बात में घसीटकर उनका अपमान कर रहे हैं। विरोध सही चीजों का होना चाहिए, ऐसे विषयों को उठाकर कोई फायदा नहीं है और ना ही जनता को लेना देना है। बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से, एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या जरूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं, और यही चीजें बार बार बैकफायर होती है इन लोगों के ऊपर। बिहार सरकार को भी चिराग पासवान ने घेरे में लिया है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारियों पर कार्रवाई तो करते हैं लेकिन जो बिहारियों को बदनाम करने वाले नेता हैं उन पर कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं है, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करे उन पे तो कार्रवाई करते नहीं है। इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है। सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की संपत्ति के अधिकारी चिराग हो सकते हैं लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। इसको लेकर भी चिराग पासवान ने बातों ही बातों में अपने चाचा पशुपति पारस को चेतावनी दी है, तो आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। और जमीन जायदाद की बातें ना करें क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई जमीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंसे। क्या लगता है कि आप ही का जमीन?